वेलकम दोस्तों, डीटीएच टेक्निकल में आपका स्वागत है। हम आए आज टाटा प्ले का न्यूज़ फिटिंग करने, तो चलिए अपने को वहाँ साइड फिट करना है। और हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। हाइड लेके पहले क्लैम थोड़ा फास्ट फास्ट करेंगे अपन काम, क्योंकि तो मौसम भी अबर अबर दिख रहा, कब पानी पड़ता बोल नहीं सकते। ऑयल रोड हाथ में ले लेंगे, सिर्फ दो बोल्ट लगा देना यार। थोड़े बोल्टा अलग ही रहते हैं इसके अंदर, ज्यादा ज्यादा तो फाइनली दोस्तों ये हो गया टाइट अपने 10-11 के पानी से टाइट कर देंगे। साइड में जो नट बोल्ट रहते हैं, जो छोटे वाले अजूम होते हैं, इसके साथ ये वॉचर है अपना, ये नट दो नट बोल्ट आते हैं। कोई बात नहीं, हवा तेज चलने से गिर गया। ये आखिरी बोल्टा है, इसके बाद फिर एंटीना लेकर एंटीना को टाइट कर देना है। बोल्ट किरेटा सही नहीं है बोल्टों के, अगर टाइट हो जाता जल्दी ले करेंगे तो ये थोड़ी देर हो जाती है। राइट और लेफ्ट के पट्टियाँ रहते, देखिए तो हमारा यहाँ पे जो है रेड वाला है, ये लेफ्ट वाला।
क्लास को फुल टाइट कर लेना। फुल टाइट करने से क्या होता है, वो तो जब लेवल मापते हैं ना अपन, पट्टियाँ अच्छा खुलने आता, खुल जाते पट्टे। तो हमारा नीचे का क्लैंप है, थोड़े पट्टियाँ ऐसा खोल देना। ये इसका ऊपर का कैप, ये लेवल बॉक्स है देखो दोस्तों, जिसे लेवल मापते अपन डिश का। कभी भी 90 एंगल में रहना, ये आपको पिछले वीडियो में बताया आपको, 90 लेवल में रहा तो सिग्नल कितना जल्दी मिला, ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती 90 में रहा तो। ये चलिए हमारा 90 लेवल में आ चुका है, थोड़ा हमारा मार्कर भी लेना है, किक्का होगा ये। अब बारी आती है ड्रिल मशीन लेना है। तो वीडियो स्टॉप कर दो, मोबाइल लगा दो। चलो ये तो काम हो गया अपना, क्या करना है बोल्ट टाइट कर लेना। चेक कर लेंगे 90 आ गया बराबर। तो दोस्तों हमारा 90 आ गया, एक्स वाई एक्स ठीक है, यहाँ पर भी आ गया। अब एंटी ना हाथ में ले लेंगे, पहले ऊपर के साइड के दो बोल्ट अच्छा टाइट कर लेंगे। अब Thank you.
तीन बोल्ट आए लास्ट के टाइट कर लिया था, सिग्नल भी आसानी मिल जाता क्रैक करके, थोड़ा टाइट कर लेना आप। स्टॉप कर दो ये अपना सर्विस केबल को, थोड़ा एलएमई पे लगा ले गए, सिग्नल ट्रैक करना है खाली अब। ये बता तेलुगु लोगों का फेस्टिवल है जना, मैडम ऑफिस बंद कर दे रहे हैं कहते, थोड़ा जल्दी जल्दी करो बोल रहे हैं, तो इस वास्ते थोड़ा जल्दी जल्दी कर देंगे। इसमें क्या है वो तो, ये मीटर में फ्रीक्वेंसी डाल देना है अपने टाटा प्ले का, इसकी टीपी बोलता हूँ आपको, रुको वीडियो पे बने रहिए। 11880 हॉरिजॉन्टल 34280 इस पर ट्रैक करना है। तो चलिए अपन बिस्मिल्लाह ट्रैक करेंगे, थोड़ा एंटीना देख लेंगे किधर तरफ है इसका, इसका लुक ये साइड है तो अपने को बैक साइड पर जाना, थोड़ा इधर हटा लेके हल्का सा, इधर सिग्नल आ रहा थोड़ा गिराने का है, थोड़ा हल्का सा लाइट, थोड़ा अप डाउन कर लेना इसमें, थोड़ा अंदर ऐसा रख तो दोस्तों हमारा सिग्नल तो रिसीव हो गया, तो थोड़ा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं हम, और थोड़ा बढ़ गया तो अच्छा है। आप लोगों को भी ऐसी करना है, देखिए दोस्तों थोड़ा से चलिए परफेक्ट आ गया सिग्नल, हमारे कस्टमर बोल रहे हैं थोड़ा घुमाने सकते हैं, तो मतलब जहाँ इसका लोकेटेड जहाँ इसका सिग्नल जा रहा है वहीं लगा सकते हो, जहाँ इसकी डिश की फेसिंग रहती है वहीं लगा सकते हो। दोस्तों फुल टाइट कर लेना क्या, हवा हवा चली है पर हवा तो बहुत ज़्यादा चल रही है वहाँ, थोड़ा लुक एट चेंज है वहाँ डिश आपने, बहुत अच्छा टाइट कर लेना। तो थोड़ा ऊपर थोड़ा उठा लेंगे डिश को अपने, परफेक्ट। थोड़ा अलाइनमेंट हल्का सा देखना आपने सिग्नल, चलिए परफेक्ट हो गया। थोड़ा एलएमबी होल्डर को टाइट कर लेना आप, थोड़ा और एडजस्ट कर लेंगे, चलो परफेक्ट। भाई थोड़ा मीटर पे बताओ हमारे कैमरे वाले भाई, ये देख सकते हैं आप सिग्नल तो अच्छा रिसीव हो गया है। चलिए फिर अब अपने क्या करना है, ये वायर छोड़ लेना है, mm-hmm.
ये कंपनी से आपको 10 मीटर वायर फ्री आता आपको। तो अपन यहाँ पे छोड़ देंगे, पहले पहले एक बार कितना लगता है इनको, नीचे जाके देख लेंगे, पहले ऊपर का तो काम कर लेंगे अपन। ये फाइनल केबल है देखिए, सबसे छोटा वाला बारीक, इससे जो सिल्वर का जो वायर रहता ना कॉपर से हटा देना। अगर कॉपर अगर सिल्वर मिल गया ना तो क्या होता मानो, सिग्नल ब्रेक हो जाता, बॉक्स खराब होने के चांसेस भी होते। अरे जो कॉपर दिख रहा है आपको 2 mm रहना खाली बस इतना, तो थोड़ा उसको टाइट कर लेंगे। जो कनेक्टर है वो टाइट वायर में फिक्स हो जाता, CID के टूल से अपन टाइट करेंगे, तो उसको खोल लेना। आप खोलना इस वास्ते है अपने को ये 2 mm है क्या वो चेक कर लेना है, ज़्यादा रहा तो फिर दिक्कत हो जाती है LMB में, तो थोड़ा ज़्यादा है ये उतना रहना ही। बारी आती टेबल टैक्स से अपने को मार देना, इससे क्या है फिनिशिंग अच्छी रहती डिश की। ये वो लुक देना चाहिए कहीं को देना, वो तो यहाँ पे सर्विस केबल में कभी यहाँ प्रॉब्लम आता तो वायर 1 मीटर यहाँ एक्स्ट्रा रहना, इसलिए रहना वो तो कुछ कनेक्टर में प्रॉब्लम आता वायर कट करते अपन, इस वास्ते देते हैं वो लोग। टेबल टैक इधर है तो अपना यहाँ का काम तो हो गया, तो थोड़ा जो एक्स्ट्रा टेबल टैक है उसको कट कर देना है। तो दोस्तों अपना फाइनली काम तो अपना हो गया परफेक्टली। अगर आपने वो नीचे जाना है तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बोलिए। तो फाइनली अपन नीचे जाएंगे, नीचे जाके आपको बताएंगे। प्लीज स्टॉप। दोस्तों अपना फाइनली काम हो चुका है, तकरीबन काम ख़त्म हो गया। तो देखिए अपना काम ये, तो अपने नीचे जाएंगे और नीचे जाके आपको सेटअप बताएंगे। चलिए दोस्तों अपना बॉक्स का सेटअप, इसके अंदर क्या क्या आपको फ्री मिलता है वो साइड में हम आपको बताएंगे रख के। ये देख लीजिए HDMI केबल है, एक यूनिवर्सल रिमोट है टाटा की तरफ से, एक सेट टॉप बॉक्स, एक 12-8 का एडाप्टर। चलिए फिर इसमें टीवी में लगा के आपको सेट करते हैं। तो फाइनली हमारा बॉक्स टीवी पे लग चुका है और हम आपको इसको वीडियो भी बताएंगे आपको, और हम आपको चैनल लगा के बताएंगे, और वीडियो पर बने रहिए। और हम ये देख सकते हैं हमारा एक्टिवेशन हो गया है बॉक्स। उम्मीद है अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को शेयर करिए, जितना शेयर करेंगे हमारे लिए उतना फ़ायदा है यार। प्लीज़ हमारे सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपन। इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिए। ये देख सकते हैं आप ZTV HD हम लगा दे दिए, ZTV नॉर्मल पैक है इनका, और HD का बॉक्स है। तो सिग्नल परसेंट भी हम आपको बताएंगे, वीडियो पे बने रहिए। थोड़ा स्क्रीन हम ब्लर कर दिए क्यों, तो कॉपीराइट का इशू आता बोल के। ये देख सकते हैं आप सिग्नल भी बहुत अच्छा आया कस्टमर को। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक।